वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डाई हार्ड। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 ग्रेट एनिमेटेड मूवीज। नंबर 10 वीवो 2021। वीवो एक अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है जिसके डायरेक्टर है क्रिक डेमिको। ये मूवी एक ओरिजिनल आइडिया के ऊपर बेस्ड है। ये फिल्म प्रोड्यूस किए कोलम्बिया पिक्चर्स एंड सोनी पिक्चर एनिमेशन ने। वीवो सोनी पिक्चर्स एनिमेशन की पहली म्यूजिकल फिल्म है। फिल्म की स्टोरी फॉलो करती है एक म्यूजिक लविंग किंग काजू को, जो एक जर्नी पे निकलता है अपने लाइफ की डेस्टिनी को फुलफिल करने के लिए एंड एक सॉन्ग को एक रिटायर सिंगर को डिलीवर करने के लिए। वीवो रिलीज हुई थी कुछ सिलेक्टेड थिएटर्स में जुलाई 2021 में। उसके बाद ये डिजिटली रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे। द फिल्म रिसीव्ड जनरली पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स हु प्रेज द एनिमेशन, वॉइस परफॉर्मेंसेस एंड म्यूजिकल नंबर्स। करने का सोचा है? पता नहीं, पर कभी कभी जुगाड़ लगाना पड़ता है। सच में ले लिए। हमारी नेक्स्ट फिल्म है टॉम एंड जेरी 2021 फिल्म। टॉम एंड जेरी एक अमेरिकन लाइव एक्शन एनिमेटेड स्लैपस्टिक कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म कार्टून के कैरेक्टर पर बेस्ड है। इसे क्रिएट किए हैं विलियम हैना ने एंड जोसेफ बारबेरा ने। दिस फिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय वार्नर एनिमेशन ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रदर पिक्चर्स। ये फिल्म सेट है न्यूयॉर्क में, जहाँ पे कॉपुलेटेड ह्यूमंस, कार्टून्स एंड एनिमल्स एक साथ रहते हैं। फिल्म के डायरेक्टर है टीम स्टोरी एंड राइटर है केविन कॉस्टेलो। द फिल्म वॉज थियोरेटिकली रिलीज बाय वार्नर ब्रदर पिक्चर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फेब्रुआरी 2021। दिल्ली के खेल को यह होटल बर्बाद नहीं करने दूंगा। हमारी नेक्स्ट फिल्म है रॉन्स गॉन रॉन्ग। रॉन्स गॉन रॉन्ग एक एनिमेटेड साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसके डायरेक्टर है सारा स्मिथ एंड जीन फिलिपिन। फिल्म फीचर करती है वॉइस ऑफ जैक डायलन ग्रेस एज बार्नी, अ सोशियली ऑकवर्ड मिडिल स्कूल बॉय जो डिफेक्टिव रॉबोट के साथ बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, जिसका नाम होता है रॉन। मूवी की स्टोरी फॉलो करती है बार्नी को, जो कि अपने रॉबोट यानी कि रॉन को बचाना चाहता है कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज से। द फिल्म वॉज थियोरेटिकली रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन अक्टूबर 2020 by 20th Century Studios। ये फिल्म में generally positive reviews gain किए थे and it grossed $60.7 million worldwide। Where are you going? Arisababa. You're supposed to stay within 6 feet of me. Six. हमारी नेक्स्ट फिल्म है सीक्रेट मैजिक कंट्रोल एजेंसी, अल्सो नोन एज हैसल एंड ग्रेटल। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज रशियन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जिसके डायरेक्टर है एलेस्की एंड राइटर है एनालिसा। सीक्रेट मैजिक कंट्रोल एजेंसी रिलीज की गई थी सोनी पिक्चर्स प्रोडक्शन ने मार्च 2021 रशिया में। उसके बाद नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स एक्वायर किए। फिल्म ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया था नेटफ्लिक्स के रैंकिंग में। ये फिल्म टॉप 10 ग्लोबल व्यूअरशिप चार्ट में पहले ही वीक में एंटर हुई थी। इस फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे फ्रॉम द क्रिटिक्स। हमारी नेक्स्ट फिल्म है विश ड्रैगन। विश ड्रैगन एक एनिमेटेड फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसके राइटर और डायरेक्टर है क्रिस्टोफर अपेलेंस। द मूवी इज प्रोड्यूस्ड बाय सोनी पिक्चर एनिमेशंस एंड टीसेंट पिक्चर्स। फिल्म का प्लॉट फॉलो करता है एक लड़की को जो कि विश ड्रैगन की मदद से अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है। विश ड्रैगन वॉज थियोरेटिकली रिलीज इन चाइना ऑन जनवरी 2021 एंड इट रिलीज इन नेटफ्लिक्स इंटरनेशनली ऑन जून 2021। हमारी नेक्स्ट फिल्म है सिंग 2। सिंग 2 एक अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है जिसे प्रोड्यूस की है इल्यूमिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट की है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। ये एक सीक्वल है सिंग 2016 की। इसके राइटर और डायरेक्टर है ग्रेथ जेनिंग्स। फिल्म की स्टोरी सेट है प्रीवियस फिल्म के इवेंट्स के बाद बस्टर मून एंड उसके ग्रुप के साथ, जो कि ओपन करने वाले होते हैं एक नए शो को। द मूवी वॉज थियोरेटिकली रिलीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन दिसंबर 2021। इस फिल्म ने जनरली पॉजिटिव रिव्यूज गेन किए थे। द मूवी ग्रोस्ड ओवर $408 million worldwide against a production budget of $85 million and became the highest grossing animated film of 2021. Hamari next film hai Encanto. This candle blessed our family with a miracle. Our house, our casita came to life with magic. इंकेंटो एक अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म है जिसे प्रोड्यूस की है वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट की है वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने। फिल्म के डायरेक्टर है जारेड बूस एंड ब्रायन हॉवर्ड। फिल्म का प्लॉट फॉलो करता है एक फैमिली को जो कि एक म्यूजिकल हाउस में रहते हैं। द मूवी वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन नवंबर 2021। द फिल्म रिसीव्ड अक्लेम फॉर इट्स कैरेक्टराइजेशन, म्यूजिक, एनिमेशन, वॉइस एक्टिंग एंड इमोशनल डेप्थ के लिए। Let me help you. The rats told me everything. Don't eat those. हमारी नेक्स्ट फिल्म है द मिचेल्स वर्सेस मशीन्स।
द मिचेल्स वर्सेस मशीन्स एक एनिमेटेड साइंस फ्रिक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे प्रोड्यूस की है कोलंबिया पिक्चर्स एंड सोनी पिक्चर एनिमेशन ने। फिल्म के डायरेक्टर है माइक राइंडा। फिल्म का प्लॉट फॉलो करता है मिचेल और उसकी फैमिली को जो कि अर्थ को बचाना चाहते हैं ग्लोबल अपराइजिंग रॉबर्ट से। द फिल्म रिसीव्ड क्रिटिकल अक्लेम फॉर इट्स एनिमेशन, वॉइस एक्टिंग, एक्शन सीक्वेंसेस, थीम्स, ह्यूमर्स, विजुअल इफेक्ट्स एंड एलजीबीटी रिप्रेजेंटेशन। हमारी नेक्स्ट फिल्म है राया एंड द लास्ट ड्रैगन। याओ, ये क्या? बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अरे ये जो बच्ची क्या? अरे ये तो 420 निकली। राया एंड द लास्ट ड्रैगन एक अमेरिकन एनिमेटेड फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे प्रोड्यूस की है वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज ने। द फिल्म डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इट डायरेक्टेड बाय डॉन हॉल एंड कार्लोस। फिल्म फॉलो करती है टिट्यूलर वॉरियर प्रिंसेस राया को जो की लास्ट ड्रैगन को ढूंढती है अपने फादर और उसके लैंड को इविल स्पिरिट से बचाने के लिए। द फिल्म वॉज थियोरेटिकली रिलीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन मार्च 2021। राया एंड द लास्ट ड्रैगन रिसीव्ड जनरली positive reviews from the critics, but it criticized by story and Southeast Asian representation. दुनिया तबाह हो चुकी, किसी पे भरोसा नहीं। या इसीलिए तबाह हुई कि तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं? बस एक पहल करनी है तुम्हें। हमारी नेक्स्ट फिल्म है लुका। Anywhere near the surface. Got it? Everything good is above the surface. Walking. Air! The sky, clouds, the sun. Whoa, don't look at it. Just kidding. Definitely look at it. लुका एक अमेरिकन एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फैंटेसी फिल्म है जिसे प्रोड्यूस की है वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड पिक्सर एनिमेटेड स्टूडियोज ने। द मूवी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी मोशन पिक्चर्स एंड द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय एंड्रिको कासारोसा। मूवी का प्लॉट फॉलो करता है एक सी मॉन्स्टर बॉय को जो की अर्थ की सर्फेस पे जाते ही ह्यूमन बन जाता है एंड वो एक्सपीरियंस करता है लाइफ चेंजिंग समर एडवेंचर अपने फ्रेंड्स के साथ। द फिल्म रिसीव्ड जनरली पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम द क्रिटिक्स हु प्रेज फॉर इट्स एनिमेशन, नॉस्टैल्जिक एटमॉस्फियर, द design of Italian Rivera. What's wrong with you, stupido? You do it now. Just say the thing. What's wrong with you, stupido? Thanks for watching and tell me which is your favorite movie. And I know that you have many suggestions, so tell me in the comment section.